रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि, आप देख रहे हैं यूपी खबर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पीलीभीत के बिलसंडा में हरियाणा के संत नागा बाबा ने शासन प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बिलसंडा स्थित लंगड़े बाबा मंदिर के समीप पुलिया बनाने की बात की है, नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदा भूत समाधि लगाऊंगा। पीलीभीत के कस्बा बिलसंडा में श्री लगड़े बाबा देवस्थल की पुलिया निर्माण का मामला महाबली दानी राजा मूलध्वज की सरजमी पर स्थित है। प्राचीन सिद्ध लगड़े बाबा का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आशा का केंद्र है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते पुलिया निर्माण न होने पर श्रद्धालुओं को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने हरियाणा के संत नागा बाबा गोपालपुरी की समस्या का समाधान नहीं किया, जिसके बाद संत ने कहा कि शासन प्रशासन ने मंदिर के समय पुलिया का निर्माण नहीं कराया तो देवस्थल की पवित्र भूमि पर मैं मंगलवार 3 बजे जिंदा भू समाधि लूंगा और इस मामले में अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। तो मैं समाधि लेने की कोशिश करूंगा, समाधि लूंगा मैं 48 घंटे के बाद समाधि लूंगा। ये मेरा नाम नागा बाबा गोपालपुरी जी। क्या पूरा मामला है ये पुलिया का? ये पुलिया टूटी पड़ी है कई सालों से, अभी तक इस पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। कुछ पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कल जी। और तहसीलदार भी आए थे, उन्होंने भी कहा मेरे से कि ये पुलिया का निर्माण हम करवाएंगे और लिखित में दिया है जी। और आज के लिए पाइप डलवाने के लिए भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया।